So today I'm going to discuss Resonance and Wonder, which is written by Stephen Greenblatt. तो रेजोनेंस मीन्स क्या होता है? रेजोनेंस जैसा कि स्टीफन ग्रीन ब्लैट ने डिस्क्राइब किया है, देखिए जब भी हम कोई आर्टिस्टिक वर्क या फिर कोई लिटरेरी वर्क को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उस वर्क को देख के या पढ़कर, लाइक आर्टिस्टिक वर्क है तो देख के, लिटरेरी वर्क है तो पढ़ के, समझ के, हमारे अंदर एक इमोशनल मतलब तरीके से हम उससे कनेक्ट होते हैं. हर एक वर्क से नहीं कनेक्ट हो सकते, कुछ कुछ ही ऐसे वर्क्स होते हैं कि जिनको पढ़ के हम लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है या हमारे साथ ऐसा हुआ था कि, या फिर कुछ बहुत रियलिटी जिसमें होती है तो कनेक्टेड फील करते हैं हम लोग, उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं उन वर्क्स में. तो वो जो फीलिंग होती है दैट इज़ नोन एज रेजोनेंस. ये आप पढ़िए थे, व्हेन द पीस ऑफ लिटरेचर and art has resonance, it means that it strikes a chord with the reader or viewer, creating a deep and lasting impact. मतलब कि अगर किसी लिटरेचर के पीस में हम लोग कहें रेजोनेंस है, कोई भी राइटिंग में रेजोनेंस है, इसका ये मतलब है कि वो हमारे अंदर एक कॉर्ड, एक तार छेड़ देती है, एक इमोशनली हमारे अंदर कुछ छेड़ देता है जिससे कि जो रीडर है या फिर जो व्यूअर है, आर्टिस्टिक वर्क है तो उसको जो व्यू कर रहा है, जो उसको देख रहा है, या अगर लिटरेरी वर्क है तो उसको जो रीड कर रहा है, उसके अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ जाता है. कुछ कुछ कहानियाँ जैसे हम लोगों ने बचपन में सुनी होती है अभी तक हमें याद है, हम नहीं भूले, तो हमारे उस कहानी का इम्पैक्ट हमारे पास है अभी तक, है लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट. तो उसी चीज़ को रेजोनेंस कहते हैं. ये साथ में नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं. जैसे इट कैन मेक अस फील कनेक्टेड टू द वर्क, जैसे कि मैंने कहा कि वर्क से कनेक्ट कर देता है, एंड कैन इवन रेजोनेट विद आर ओन एक्सपीरियंस एंड इमोशंस एंड बिलीफ. और हम लोग अपने खुद के एक्सपीरियंस और इमोशंस और बिलीफ से उससे कनेक्ट हो जाते हैं. जैसे कि अगर आप किसी रूम में जाते हैं, खाली रूम में, और आप चिल्लाते हैं तो एक गूंज आपको वापस सुनाई देती है, जिसे हम लोग ईको कहते हैं, गूंज. तो वो बार बार वही आवाज़ धीरे 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 करके सुनाई देती है. एक बार आपने बोल दिया कस के और धीरे धीरे वो आवाज़ आपको थोड़े टाइम तक सुनाई देगी. तो वही है कि इसी तरीके से रेजोनेंस वर्क में क्या होता है कि कुछ पढ़ लिया और फिर वो धीरे धीरे आपकी मेमोरी में अभी तक है और आपको धीरे धीरे उसको, जैसे वो आवाज़ सुनाई देती है, ये धीरे धीरे आपको वो चीज़ याद रहती है, ठीक है. तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा हुआ है. अब रेजोनेंस किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से, मतलब कि उस करेक्टर, उस जो स्टोरी है या जो भी जो पीस ऑफ लिटरेचर है उसकी थीम कैसी है, थीम में भी कनेक्टेड हो सकती है, उस पर कैरेक्टर्स कैसे, लैंग्वेज कैसी है, कुछ भी, इन सब तरीकों से रेजोनेंस क्रिएट हो सकता है. या फिर पूरी स्टोरी का ओवरऑल एटमॉस्फेयर या मूड कैसा है, इन सब तरीकों से रेजोनेंस क्रिएट हो सकता है. अब वंडर की बात करते हैं. तो वंडर क्या है? वंडर वो होता है जैसे कि अगर हम लोग कोई वर्क पढ़ें और हम लोग बहुत फैंटेसाइज हो जाए उसको देख के, या बहुत अमेजमेंट की फीलिंग आए, बहुत खुशी की, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा आ जाए कि अरे ऐसा भी हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, क्यूरियोसिटी आ जाए, अच्छा इसके बाद ये भी होना था. या फिर कोई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग को अंत नहीं पता चलता कि एंड में क्या हुआ, तो क्यूरियस हो जाते हैं. या फिर बीच में पढ़ के हम लोग को मन होता है कि अच्छा लास्ट में क्या हुआ होगा, लास्ट में क्या हुआ होगा. तो जो ऐसी फीलिंग, क्यूरियस फीलिंग आती है, वंडर की फीलिंग आती है, उस चीज़ को बोलते हैं वंडर, ठीक है. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वंडर गिवन बाय स्टीफन ग्रीनब्लैट. सो व्हेन वी एक्सपीरियंस वंडर वी आर कैप्टिवेटेड एंड डीपली एंगेज विद द पीस. इससे भी हम लोग, जब हम लोग वंडर को एक्सपीरियंस करते हैं तो हम लोग उस लिटरेचर के पीस से कैप्टिवेट हो जाते हैं और डीपली इंगेज हो जाते हैं उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा उससे अंदरूनी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं. ये हमारी इमेजिनेशन को स्पार्क करता है, मतलब हमारी इमेजिनेशन को एक तरह से एक चिंगारी लगाता है, हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ाता है, हम लोग और कल्पना करना शुरू कर देते हैं, नए थॉट्स हमारे मन में आते हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग बिलीफ से, पुराना जो हम लोगों ने कुछ बिलीव किया हुआ है वो भी हम लोग सोचते हैं, उसके बारे में भी एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये सब जो मिक्स फीलिंग्स होती हैं ये वंडर की फीलिंग्स होती हैं. तो एक फैसिनेशन टाइप है वंडर, ठीक है, एक फैसिनेशन टाइप है. और इट्स लाइक व्हेन यू इंकाउंटर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनएक्सपेक्टेड दैट लीव्स यू इन अ स्टेट ऑफ वंडर. जैसे कि आपने कुछ पढ़ा और आपको ऑर्डिनरी नहीं लगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल से थोड़ा ऊपर, थोड़ा एक्स्ट्रा,
और अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपको पता नहीं, मतलब आप सोच नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है, आपको एक्सपेक्ट नहीं था। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको वंडर की स्टेट में छोड़ दे और फिर आप सोचने लगे अच्छा ऐसा, तो वो चीज़ होती है वंडर का कॉन्सेप्ट। तो जब भी कोई वर्क ऑफ लिटरेचर या आर्ट हमारे अंदर वंडर के कॉन्सेप्ट को इवोक करता है, तो व्हेन अ वर्क ऑफ लिटरेचर और आर्ट इवोक्स वंडर, इट हैज़ दी एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट अस टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो इसका मतलब उस वर्क में ये एबिलिटी है, ये काबिलियत है कि वो हमें दूसरी दुनिया तक ले जाए, हमें क्वेश्चन करने, हम रियलिटी की नेचर को क्वेश्चन करेगी, अच्छा अच्छा रियल में ऐसा होता है, तो इस बात को हम लोग क्वेश्चन करें, मतलब इससे सवाल पूछे कि रियल में ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है या ऐसा है, तो इस चीज़ को वंडर कहते हैं। और एक्सपोज अस टू न्यू थॉट्स एंड थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट्स, और एक्सपोज कराता है, मतलब हमारे सामने हमें दिखाता है नए थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको पढ़ के हम लोग कुछ सोचे, कोई थॉट आए हमारे दिमाग में, तो थॉट प्रोवोकिंग, थॉट को ग्रो करने वाले कॉन्सेप्ट्स, थॉट को जगाने वाले कॉन्सेप्ट्स। तो जो दोनों है, रेजोनेंस एंड वंडर, ये दोनों ही चीज़ें हमें हेल्प करती हैं किसी भी वर्क से कनेक्ट करने के लिए, पर्सनल और इमोशनल दोनों लेवल्स पे। ठीक है, बोथ रेजोनेंस एंड वंडर हेल्प अस टू कनेक्ट विद द इमोशनल एंड पर्सनल लेवल, हेल्प अस टू कनेक्ट विद द वर्क ऑन अ पर्सनल एंड इमोशनल लेवल, मेकिंग इट मोर मीनिंगफुल एंड मेमोरेबल, जिससे कि वो वर्क और ज़्यादा मीनिंगफुल, और ज़्यादा उसका अर्थ निकल के आता है, और मेमोरेबल भी रह जाता है और यादगार भी बना रहता है। ठीक है, अगर किसी वर्क में रेजोनेंस और वंडर होगा, तो यही था बस रेजोनेंस एंड वंडर का कॉन्सेप्ट। और मैं आपको दिखा दे रही हूँ वापस से पूरे नोट्स, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज।